नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा कमेंट में एक सवाल आया है कि अदरक का अभी का जो डाउन भाव है, स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट की अदरक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादातर माल सिलीगुड़ी जाके बिक्री होता है, और नॉर्थ ईस्ट का जो मेन मंडी है, मेन मार्केट है अदरक का, वो है सिलीगुड़ी। ज़्यादातर लोग सिलीगुड़ी ही अदरक सप्लाई करते हैं, और सिलीगुड़ी से अलग अलग राज्यों में फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या तो ज़्यादातर माल वेस्ट बंगाल में ही खपत होते हैं। तो जिस तरह मेरा एक मित्र ने मुझे क्वेश्चन किया है कि अदरक का ये डाउन भाव कब तक रहेगा। देखिए दोस्तों, अदरक का ये जो डाउन भाव है, ये कब तक रहेगा ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि बाजार का रेट का जो अप्स एंड डाउन होता है, वो माल की सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही निर्भर करते हैं। मार्केट में डिमांड ज़्यादा आ गया, डिमांड ज़्यादा हो गया, और उसी हिसाब से अगर सप्लाई कम होगा तो डेफिनेटली बाजार का जो भाव होगा वो अप होगा, यानी बढ़ेगा, और डिमांड कम रहेगा और सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली बाजार का जो रेट है वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी डाउन होगा। अभी कुछ दिन पहले बाजार तो बहुत अच्छा था, सिलीगुड़ी में रेट काफ़ी अच्छा था, और जब रेट अच्छा था तो क्या हुआ कि सिलीगुड़ी मंडी में जिस जिस जगह से माल जाते हैं वहाँ से सप्लाई ज़्यादा होना शुरू हो गया, और ठीक उसी हिसाब से वहाँ का जो डिमांड था वो डिमांड धीरे धीरे कम होने लगा, और ज़्यादा माल मंडी में पहुंचने के कारण बाजार ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। और ये जो अभी हो रहा है, ये सिर्फ सिलीगुड़ी मंडी में ही नहीं, अभी देखिए धीरे धीरे हर जगह से अदरक निकलना शुरू हो रहा है। तो हमारे भारतवर्ष की जितने भी मंडी है अदरक का, छोटी हो या बड़ी हो, वो सब मंडियों में डिमांड ज़्यादा रहना पड़ेगा और सप्लाई उसी अनुसार रहना पड़ेगा। मतलब डिमांड के अनुसार सप्लाई रहेगा तो बाजार का भाव ठीक ठाक ही रहेगा। तो अभी हर मंडियों में अगर डिमांड कमती होगा और उसी अनुसार सप्लाई ना होकर सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली हर मंडियों में डाउन होने का चांस है। अभी महाराष्ट्र उतना डाउन नहीं हुआ है कंपेरेटिवली हम लोगों का यहाँ की बाज़ार से, और बेंगलुरु भी इतना डाउन नहीं हुआ है। पहले भी 50-60 रुपया तक बेंगलोर बिक्री हो रहा था कुछ दिन पहले, और अभी भी वही पोजीशन है। ठीक 70-80 रुपया तक महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बिक्री हो रहा था माल, तो अभी भी वही पोजीशन है। लेकिन ये जो पोजीशन, ये ज़्यादा दिन कोई भी जगह में टिकने वाला नहीं है, क्योंकि माल का प्रेशर जब पड़ेगा तो हर खरीदने वाला जितना भी व्यापारी होगा वो लोग सस्ता दाम में माल खरीदने का कोशिश करेगा। अगर महाराष्ट्र बेंगलोर ज़्यादा हाई रेट बताएगा तो डेफिनेटली सिलीगुड़ी से माल वो लोग खरीदेगा, क्योंकि अगर सिलीगुड़ी डाउन रहेगा तो, अभी तो डाउन हो ही गया सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी जब डाउन होगा तो महाराष्ट्र हो या बेंगलोर हो,
वहाँ का माल तो हाई रेट में बिक्री होगा नहीं, क्योंकि उत्तर भारत का जितना भी व्यापारी है वो लोग महाराष्ट्र या बेंगलोर से माल नहीं खरीदेगा वहाँ ज़्यादा रेट होने के कारण। तो क्या होगा कि वहाँ का भी जो सप्लायर है, वहाँ का भी जो बिजनेसमैन है, वो लोग डेफिनेटली किसानों से सस्ता में माल खरीदने का कोशिश करेगा, सस्ता में माल मांगेगी वो लोग, तब जाके ऑल ओवर इंडिया का जो एवरेज जो प्राइस होगा वो ठीक ठाक रहेगा। अगर सिलीगुड़ी मंडी ज़्यादा दाम हो गया, फिर सिलीगुड़ी वाला से माल नहीं खरीद के बेंगलोर या महाराष्ट्र महाराष्ट्र से माल खरीदना शुरू करेगा। तो अभी माल का प्रेशर पड़ने से ऐसे ही बाजार चलते रहेगा, थोड़ा अप थोड़ा डाउन ऐसे करके बाजार चलते रहेगा। और मेरा जो अंदाज़ है, अभी ये जो बाजार जो टूटा है, बाजार का जो भाव जो डाउन हुआ है, ये रेट अप होने के लिए कुछ समय लेगा, कुछ टाइम लगेगा। अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मुझे लगता है इसका रेट थोड़ा अप थोड़ा डाउन थोड़ा अप थोड़ा डाउन ऐसे ही चलते रहेगा। क्योंकि देखिए, माल तो बराबर माल कोई भी मंडियों में सप्लाई नहीं होता है। जैसे कि सिलीगुड़ी में कुछ दिन पहले बाजार टाइट था, तो हर जगह से माल का सप्लाई थोड़ा बढ़ गया, और माल का सप्लाई बढ़ जाने के कारण मंडी में माल अवेलेबल हो गया, और वहाँ जितना खरीदने वाला जो है तो वो एक लिमिटेड है, तो वो लोग को खरीदने वाला को ज़्यादा माल मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो लोग कम रेट में खरीदने का कोशिश करेगा, और कम रेट में खरीदने से बाजार ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। कच्चा माल है, कितना दिन तक रुकाएगा, तो बिक्री तो करना ही पड़ता है, चाहे हाई रेट हो या चाहे डाउन रेट हो। तो अभी डाउन रेट है बोल के अभी जिस जिस जगह से माल जाता है मंडी में, तो डाउन रेट है बोल के उस एरिया से माल सप्लाई का जो प्रेशर होगा वो थोड़ा कमती होगा, तो सप्लाई का प्रेशर कमती होने के कारण मंडियों में फिर माल थोड़ा सा कमी होगा, थोड़ा क्राइसिस होगा, तो उस टाइम में फिर बाजार डिमांड के अनुसार माल नहीं होने से थोड़ा ऑफ हो सकता है। तो अभी जो भी बाजार का रेट चल रहा है कोई भी जगहों में, चाहे बेंगलोर हो, महाराष्ट्र हो, या तो वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी हो, या तो हर अदरक उत्पादन होने वाला क्षेत्र में हो, तो अभी जो बाजार का जो रेट जो डाउन हुआ है, ये डाउन ज़्यादा अप नहीं होगा, थोड़ा अप थोड़ा डाउन ऐसे होके ही अभी चलते रहेगा। तो दोस्तों, अभी आप लोगों का मन में जो सवाल था कि ये बाजार का रेट कब तक डाउन रहेगा, ये थोड़ा क्लियर होता होगा आप लोगों को। बाजार का ये जो रेट है, ये मेरा अनुमान के मुताबिक मुझे लगता है नवंबर या तो दिसंबर तक अभी सेम ही रहेगा, उसके बाद कुछ अदरक में कुछ अदरक की जो रेट है उसमें कुछ एक बड़ा सा भाव का डिफरेंस हो सकता है, वो अलग बात है, वो अभी पता नहीं चलेगा। तो अभी ये जो पोजीशन है, रेट है, 2 महीने या 3 महीने तक चलेगा, अप एंड डाउन थोड़ा थोड़ा, अप्स होगा थोड़ा डाउन होगा, ऐसे ही अब ऐसे ही रेट जो चलते रहेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। तो मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी नया व्यूअर्स है जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके मैं
आगे भी आप लोगों को अदरक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।